हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन गोला कबाब। तो चलो झटपट से बनाते हैं, वो खाने में तो टेस्टी होते हैं और झट से बन जाते हैं। इसके लिए मैंने लिया था 1.5 किलो के करीब कीमा मटन का, साथ में डाली मैंने हरी मिर्चें बारीक कट करके फाइन चॉप की, 300 ग्राम हरी मिर्च थी तकरीबन 50 से 60 ग्राम के करीब। 2 चम्मच भर के डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच डाला गर्म मसाला पाउडर और तकरीबन 50 ग्राम के करीब डाले भुने हुए चने का बेसन। साथ में डाला मैंने 1 अंडा और फिर डाला मैंने कुछ इसमें और सामान भी, जैसे 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सब डालने के बाद मैंने बहुत अच्छे से इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया। साथ में मैंने इसमें नमक भी ऐड किया था जायके के हिसाब से। और ये सब डालने के बाद आप चाहे तो थोड़ा चाट मसाला खटाई भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो सब मैंने नहीं डाला था, गला इस टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा था तो इसीलिए। और ये सब डालने के बाद मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रख दिया मैरिनेट करके फ्रीज में। फिर मैंने एक सीख ली, आपके पास कोई कोई भी डंडी हो या फिर आप पैन की नोक से भी कर सकते हो, पैन ले लीजिए या पेंसिल ले लीजिए, उस पर इस तरह कबाब की शेप दीजिए। छोटे छोटे आपको कोफ्ते के बराबर लेने हैं और एक गोला कबाब की शेप आपको दे देनी है। और इस तरह आपको बनाकर पहले एक प्लेट में रख लीजिए, फिर तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब थोड़े से हल्के से टाइट हो जाएंगे तो उठाते में टूटते नहीं है। ये देखिए प्याज देखो कितनी मोटी मोटी दिख रही है। मेरा चॉपर लास्ट टाइम में खराब हो गया जिसकी वजह से मुझे हाथ से काटनी पड़ी प्याज, और ये प्याज अलग से नजर आने लगी। ये देखो आप अच्छे से पहले ही सारे कबाब अच्छे से पहले बनाकर रख लीजिए। फिर उसके बाद एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालिए और एक एक कर आपको ये सारे कबाब उसके अंदर फ्राई कर लेने। एक नॉन स्टिक फ्राई पैन याद रहे, उसमें ऑयल सिर्फ थोड़ा सा डालिएगा, ज्यादा ऑयल नहीं डालेगा, तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल डालिएगा और आप अपने सारे कबाब इसमें सेकने लगे। बीच बीच में आप ऑयल डालते रहिएगा। ये देखो मैंने इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया था जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो गया और अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगी। इन्हें सिकने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है बस, लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आपको इसमें भी स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो आप क्या कीजिए, अपने सारे कबाबों को एक जगह पहले फ्राई कर लीजिए, फिर एक ट्रे पे रखिए, लोहे की जाली होती है, और गैस पे रखकर उसको स्मोकी फ्लेवर दे दीजिए आग लगा के। मैंने एक एक करके इसी तरह करके सारे कबाबों को फ्राई कर लिया जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो गया और अंदर से ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक नहीं गए। ये देखो चम्मच की हेल्प से मैंने इसको बदल लिया और इनका कलर भी सच में बहुत अच्छा आया था, एकदम डार्क वाला। और ये थोड़े से ही ऑयल में सिक जाते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए आपको, बस थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालिए और इसमें आप इसको सेक लीजिए। आप इसे मेहमानों के लिए, घर में सभी के लिए बनाइए, सबको बहुत पसंद आएंगे। दावत कीजिए तो इसे बनाइए, बनाने में भी आसान है। आप एक दिन पहले इसको बनाकर फ्रीज में रख दीजिए और जब मेहमान आए तो आप इनको फ्राई कर लीजिए। जब ये अच्छे से फ्राई हो गए तब मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया। फिर इसके बाद मैंने बाकी बचे कीमे को भी इसी तरह फ्राई कर लिया और ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया सा आया, एकदम ब्राउन। और ये सच में बहुत ज्यादा जूसी और बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे। और आप एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और मैंने इसे प्याज के लच्छे और हरी मिर्च के साथ सर्व किया था। ये देखिए तैयार हो गए हमारे कबाब, गोला कबाब। और देखो बढ़िया से गोला कबाब इज रेडी, जिसे आप रोटी से खाइए या फिर चावल के साथ खाइए, बिरयानी के साथ खाइए या फिर प्लेन हरी मिर्च की किसी चटनी या किसी भी डिप के साथ खाइए। ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी थे, बहुत ज्यादा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और एक बार ये गोला कबाब जरूर बनाकर देखिएगा। मेहमानों के लिए, घर में सभी के लिए, सबको बहुत पसंद आएंगे और सब आपके फैन हो जाएंगे।
I'm going to go to the next one.